वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम वीडियो में बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण पार्ट टू, और पार्ट वन में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो उनको भी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि आपका फसलों का वर्गीकरण क्रमबद्ध तरीके से अच्छे तरीके से तैयार हो सके। और स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, और जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो इसमें बात करेंगे, फसलों को उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलें। इन फसलों को उपयोगिता के आधार पर पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है धान्य फसलें, सेकेंड है अनाज वाली फसलें। तो धान्य फसलें वे फसलें जिनसे हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। सीरियल शब्द की उत्पत्ति एक रोमन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है अन्न देने वाली फसलें। तो इसके अंतर्गत गेहूं, जौ और धान आदि फसलें आती हैं। अनाज वाली फसलों की बात करें तो इसको हम अनाज वाली फसलों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज और छोटे अनाज, छोटे अनाज। तो मोटे अनाज भी, जैसे मोटे अनाज है ज्वार, ज्वार बाजरा, मक्का आदि, मक्का आदि। और नेक्स्ट है छोटे अनाज। छोटे अनाज जैसे मड़वा, मड़वा हो गया, कोदो, कोदो और कुटकी आदि फसलों का इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तिलहनी फसलें उपयोगिता के आधार पर खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट पॉइंट है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों की बात करें तो इस प्रकार की वे फसलें जिनके बीज में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस वर्ग में अंतर्गत मूंगफली, मूंगफली और मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी आदि फसलें इसके अंतर आती हैं, तिलहनी फसलें। और तीसरे पॉइंट है दलहनी फसलें यानी दाल वाली फसलें। तो अपन बात करें इस प्रकार की फसलों की जड़ों की गांठें पाई जाती हैं। इस प्रकार की फसलों में जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम करती हैं, तथा इन फसलों के बीजों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो दलहनी फसलें हैं जैसे चना, मटर, सोयाबीन और मूंग, लोबिया और उड़द आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, दलहनी फसलों के अंतर्गत। चौथे पॉइंट में बात करेंगे चारे वाली फसलें। तो चारे वाली फसलें कौन सी हैं? तो आपको बता दें कि चारा जैसे बरसीम, रिजका, नेपियर, इसको हाथी घास भी बोलते हैं, नेपियर घास को हाथी घास, और जई आदि फसलें इसके अंतर्गत चारे के काम आती हैं, जो पशुओं के खिलाने के लिए चारे वाली फसलों का
बुवाई के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशेदार फसलें, नेक्स्ट पॉइंट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन सी हैं आपको बता दें, वे फसलें जिनमें रेशा फाइबर निकालकर रस्सी कपड़ा बोरा टाट बनाए जाते हैं, रेशेदार फसलें कहलाती हैं। रेशा पौधों के बीज से, बीज से जैसे तो बीज से कपास से तैयार होता है रेशा। तना की बात करें तो तना जूट, जूट मोस्टा और सन हेम्प, सन हेम्प, सन हेम्प। और पत्तियों से बात करें तो पत्तियों से अगोवा और पाइन एम्पल, पाइन एम्पल आदि ये इसके अंतर्गत आती हैं फसलें, रेशेदार फसलें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिक्स नंबर, इसके अंतर्गत चीनी वाली फसलें, चीनी वाली फसलों का अध्ययन वर्गीकरण करते हैं। तो चीनी वाली फसलें कौन हैं, जैसे जैसे गन्ना, गन्ना हो गया, चुकंदर, चुकंदर, शकरकंद, शकरकंद आदि फसलें जिनसे चीनी तैयार की जाती है, तो चीनी वाली फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, इसके अंतर्गत मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलों का अध्ययन करते हैं। तो मसाले वाली फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे मेथी, मेथी हो गई, प्याज, प्याज, धनिया, धनिया हो गया, जीरा, जीरा, सौंफ, सौंफ, कलौंजी, कलौंजी आदि फसलों का अध्ययन मसाले वाली फसलों के अंतर्गत करते हैं। इसमें अदरक भी आता है, पुदीना भी आता है, लहसुन भी आता है, ये सब मसाले वाली फसलों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आठवां पॉइंट है, इसमें बात करेंगे औषधि फसलों का अध्ययन किया जाता है, औषधि, सॉरी औषधि वाली फसलों का वर्गीकरण। तो औषधि वाली फसलें कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इन फसलों से जैसे तंबाकू, तंबाकू हो गया, पुदीना, पुदीना, अफीम, अफीम और सर्पगंधा आदि फसलों को किस वर्ग में रखते हैं, औषधि वाले वर्ग में वर्गीकरण करते हैं। नौवें पॉइंट में देखेंगे नशे वाली फसलें, तो नशे वाली फसलें कौन सी हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू, गांजा, अफीम आदि फसलों का नशे वाली फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। तो नशे वाली फसलें तंबाकू, गांजा, अफीम आदि। नेक्स्ट है दसवां पॉइंट, मंदरा वाली, मंदरा वाली फसलें, तो मंदरा वाली फसलें कौन कौन सी हैं आपको बता दें, इन फसलों को मंदरा बनाने में काम में लिया जाता है, जैसे जौ,
जौ आलू, जौ आलू और गन्ना और चुकंदर आदि फसलों का मंदरा वाली फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, नकदी फसलें। नकदी फसलें कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कौन कौन सी हैं? बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ऐसी फसलें जो घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक उपयोग के लिए लगाई जाती हैं तथा जिन्हें खेत से तुरंत बेचकर किसान को नगद रकम प्राप्त होती है, नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना, कपास, आलू और मसाले वाली फसलें आदि इसके अंतर्गत नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 12वां, 12वां पॉइंट है कीट आकर्षक, कीट अपकर्षक फसलें। तो ये लास्ट पॉइंट है कीट अपकर्षक फसलें, अपकर्षक फसलें ऐसी फसलें जो मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए उनके चारों ओर अलग अलग भाग में उगाई जाती हैं, कीट आकर्षक फसल कहलाती हैं। जैसे आपको बता दें, कपास के लाल कीड़े को बचाने के लिए चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं, तो यहाँ भिंडी कीट आकर्षक फसल उगाएंगे। तो भिंडी यहाँ पर कीट आकर्षक फसल मान गए, जो अपने ओर आकर्षित करती है। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में बात करेंगे 5वां पॉइंट, शस्य वैज्ञानिक। शस्य वैज्ञानिक के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान।